नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं बीपीएस न्यूज से संतोष कुमार पाठ। आज हम नालंदा जिला के हिलसा शहर के अंतर्गत एसी कॉलेज में है, जहां छात्रों की भीड़ लगी हुई है। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों। आप बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह हुआ। मैं इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। और कैंपस में आज आते ही हमने विद्यार्थियों की जो संख्या देखी, उसे देखते ही हमें अजीबोगरीब सा लगा। और इसीलिए अजीबोगरीब सा लगा कि अभी यूनिवर्सिटी का आदेश है, सरकार का आदेश है कि जो भी शैक्षणिक कार्य से संबंधित जो भी कार्य हो वो ऑनलाइन प्रक्रिया से हो। लेकिन कैंपस में आने के बाद ऐसा लगा कि शायद यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया से ही हो रही है। और इसके दरमियान विद्यार्थियों की संख्या जो देखी गई और जो सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जा उड़ाया मैंने जा रहा है, उससे दुखित हो गए। और इसका शिकायत कॉलेज प्रशासन से करने की इच्छुक हुए, लेकिन कॉलेज प्रशासन में कुछ ऐसे व्यक्ति जो न मिले कि जिनसे हम शिकायत कर सकते हैं। आखिर क्या दिक्कत है कि इतनी सारी तादाद में एक साथ बच्चे आए? क्या अभी कॉलेज में चल रहा है? अभी है, एक पार्ट वन का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है, पार्ट टू का भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है, इंटर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे एनसीसी में एडमिशन कराने के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा, और कुछ दिन पहले लॉकडाउन की वजह से महाविद्यालय बंद थी, और जैसे ही महाविद्यालय खुली है तो धड़ल्ले से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो काम के वास्ते भी, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सूचना प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं कि आखिर महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य से संबंधित क्या सूचना निकला। इसी सारा एक ही बार खोला गया है तो सारा चीज़ एक ही साथ हो रहा है। जी जी, और एक ही बार सारे कोर्स के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए जो भी निर्देश निकाल दिया गया है कि आपको ऑनलाइन करने के बावजूद भी वहाँ से जो रिसिप्ट मिलता है उसको कॉलेज कैंपस में काउंटर पे जमा करना ही होगा। और पहली बात कि समय अनुसार काउंटर नहीं खुलता है, इसके वजह से और भीड़ ज़्यादा लग जाती है।